एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रहा है तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। आइए इस क्वेश्चन को एक कार में आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक दूरी दिया है, क्या है ये दूरी है। यहाँ पे एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है, यहाँ पे एक कार है, जो कि एक दूरी 108 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है। ये जो कार जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा का दूरी कितना तय करता है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 15 सेकंड यानी कि 15 से गुणा कर देंगे इस कार को, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय। जब ये किलोमीटर प्रति सेकंड रहे तो क्या करेंगे 5/2, जब भी किलोमीटर प्रति सेकंड है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 108 5/18 और इस 18 से 108 को काट देंगे, कटेंगे तो 18 6 108 कितना दिन में कटेंगे, 6 × 30 30 क्या है 30 मीटर है, और 15 सेकेंड में तय करता है, 15 सेकेंड में जो है ना तय करता है, इसको 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 15 से, और कितना 30 में 15 सेकेंड तो 450 मीटर प्रति सेकेंड, यही किया हो आंसर। हेलो दोस्तों, आज मैं रोहन कुमार, आज इस चैप्टर का एक नया टॉपिक आया है टाइम एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर को पढ़ने में देखिए कितना अच्छा शॉर्ट और कैसे बन जाएगा, कोई फार्मूला कहीं नहीं करना है। इस चैप्टर में स्पीड को निकालेंगे, स्पीड जैसे टाइम एंड डिस्टेंस एक दूरी दिया हुआ है, जैसे यहाँ से लेकर एक दूरी दिया हुआ है, इसी दूरी का स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे आकर आज हम देखेंगे। आइए इस दूरी को बी से डिनोमेट करेंगे, इसको बीस मानेंगे, दूरी दिया हुआ इसी को निकालेंगे, और इसमें किलोमीटर प्रति घंटा रहे या मीटर प्रति सेकंड रहे तो उसको कैसे मान निकालेंगे। जैसे कि यहाँ दिया रहे किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को लाने के लिए 5/18 से निकालेंगे, वहाँ कितना से 5/18 से इसका मान निकालेंगे, जब ठीक को किलोमीटर में दिया रहे तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब दूसरा नंबर जब मीटर प्रति सेकेंड रहे तो इसको 18/5 से करेंगे, जब मीटर प्रति सेकंड रहे तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। और एक और तीसरा टॉपिक में इस इंट्रोडक्शन के अनुसार तीसरा जो टॉपिक है, जब दूरी को कोई डिस्टेंस है दूरी है उस दूरी को एक तय करने के लिए यदि सेम डायरेक्शन रही है या दूरी यदि दोनों यहाँ पर बी है दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में जब दौड़ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस होगा माइनस हो जाएगा, जो समान दूरी रहे समान दूरी तो क्या होगा, जब समान रहे तो माइनस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जब एक दूसरे के विपरीत हो जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो विपरीत दिशा में हो तो उसका समान जो है क्या है प्लस है, समान दूरी क्या है प्लस है ना, क्या जाएगा प्लस, जब दिशा एक ही दिशा में हो तो प्लस माइनस, और दूसरा दिशा में हो एक विपरीत दिशा में प्लस है। एक बार एक किरण का पीछा करता है
बाल जो है चिकन का पीछा करता है, जो कि 150 मीटर आगे है। कितना मीटर आगे है किरण? 150 मीटर आगे है। यदि किरण 30 किलोमीटर से दौड़ता है और बाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा की से दौड़ता है तो कितने समय में पकड़ेंगे? आइए, किरण का जो है बाल पीछा करता है जो कि 150 मीटर के आगे है। यहाँ से दो मैच क्या किया बिंदु से, यहाँ पे क्या है बाल है, यहाँ पे बाल है क्या है और यहाँ पे क्या है किरण है। यहाँ पे बाघ है, यहाँ पे हिरण है जो कि 150 मीटर आगे है। हिरण जो है 150 मीटर आगे, कितना दूर है? 150 मीटर आगे हिरण जो है 150 मीटर आगे है। किस बाघ से? यदि हिरण 30 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है, हिरण जो है एक हिरण का स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हिरण का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बाघ 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बाघ का स्पीड जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर बाघ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बाघ कितने समय में पकड़ेंगे? बाघ जो है कितना समय में हिरण को पकड़ लेगा? आइए, जब सेम डायरेक्शन हो, दिशा जब सेम होती है क्या है? दिशा एक ही है, समय एक ही, जब दिशा में दौड़ता है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 36 में से 30 को माइनस कर देंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा में से माइनस करेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना होगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 36 में से 30 को माइनस कर देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 इतना होता है 3 होता है, बराबर 5/3। मान कितना निकला? 5/3। और 150 मीटर की दूरी पर था, किरण कितना मीटर की दूरी पर था? 150 मीटर की, तो बराबर 150 मीटर। ये जो है यहाँ पे भाग में है, कुछ कब जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो बराबर 150 × 3/5। इस 5 से 150 को काट देंगे, 30 × 150 बराबर 30 × 90 कितना? 90 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 90 सेकेंड में जो है पकड़ लेगा कौन? घंटों का। आइए, एक नया सवाल है। एक वृत्ताकार बाघ चारों ओर की परिधि 1200 मीटर है। एक वृत्ताकार बाघ है जिसका परिधि 1200 मीटर है तथा ए और बी क्रमशः 210 मीटर और 190 मीटर की गति में चक्कर विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, उसका जो चक्कर है विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? आइए, एक वृत्ता बाघ की चारों की परिधि 1200 मीटर है, एक वृत्ता बाघ ठीक है जिसका चारों ओर की परिधि 1200 मीटर है, चारों ओर की परिधि जो है ना 1200 मीटर है इसमें, ठीक है, तथा ए और बी क्रमशः ए और बी है जो 210 और बी जो है 190 मीटर से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। यहाँ पे ए है और बी 210 और 190 मीटर, ए के लिए 210 है, बी के लिए है 190, ए के लिए 210 और बी के जो है 190 मीटर के पर मीटर के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं इसको विपरीत दिशा में,
बी को इधर शिफ्ट कर देंगे और ए को इधर विपरीत, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, इससे वृत्ताकार परिधि को वे कितने समय में मिलेंगे। जब वृत्ताकार परिधि को विपरीत दिशा में दौड़े तो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस दोनों को क्या कर देंगे, ए और बी को प्लस कर देंगे, तो 210 और 190 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 400। जब वृत्ताकार परिधि के विपरीत हो तो प्लस हो जाएगा, 400 में दोनों के लिए 210 और 190 की जगह 400 पूरा वृत्त कितना है, 1200 पूरा जो है वृत्ताकार परिधि 1200 400 से 1200 वृत्ताकार और इस 400 के स्पीड से दौड़ेंगे तो काट देंगे 400 से इस दो दिन में 4 से 12 3 3 मिनट में मिलेंगे।